अरे माला कहाँ रह गई, उसकी फ्लाइट है, मैं लेकर आता हूँ यार। सेटो गुलजार साहब, आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ मैं रूमी को। फिकर मत करें, हम भी कोई अली बाबा 40 चोर नहीं है। अरे तौबा, मेरा ये कहने का मतलब थोड़ी था। अरे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। चची, हम बहू को अच्छी तरह बहू बनाकर क्यों नहीं रख सकते? शायद इसलिए कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। अगर हम बहुओं को बेटियों जितना प्यारा समझे ना, तो बहुओं को बेटियां बनने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना किरदार खुद ही निभा लेंगी। और ये भी तो हो सकता है कि बहुएं ज्यादा ख्याल रखें बेटियों से। कितनी सियानी बात की है ना आपकी बहू ने। मैंने रूमी को खुद तलकीन की है कि सबसे मिलकर रहना, इसमें बड़ा फायदा। मैं भी अपनी बहुओं को कुछ कहना चाहूंगा। जी लो, ग्रैंड फैमिली सिस्टम में कुछ समझौते जरूर करने पड़ जाते हैं, लेकिन जिंदगी की खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। सही वक्त पर सबर और तहम्मुल के भरे हुए दो घूंघट बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी को खूबसूरत और आसान बनाते हैं। और इस घर के तमाम लोगों को जोड़ने में, जहां बड़ों को इंसाफ से काम लेना चाहिए, वहां छोटों को भी थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। और यही है चांद नगर के मकीनों का मिलजुल कर मोहब्बत से रहने का राज। रूबी, सुन लिया अंकल गुलजार ने क्या कहा है? इस बात को समझने की कोशिश करना किसी दिन, मोबाइल से नजरें हटाकर। मेरा ख्याल है कि मुझे अब इजाजत दे, मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ। बहुत शुक्रिया। आया ओके गुलजार साहब।